अगर आपने नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए दिव्या पंजाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें। नशा तस्करी के आज तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें नशा तस्करों से नगद रकम ही पकड़ी गई है और इसे दो नंबर का धंधा इसलिए कहा जाता है कि इसमें नकदी चलती है। लेकिन इन सभी बातों को झूठा करार देते हुए एक तस्कर ने नशा तस्करी के इस धंधे को एक नंबर का धंधा बना दिया है। वह चेक लेकर नशा सप्लाई करता था। ऐसे दिलचस्प खुलासा आज डीएसपी नरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर केतन बलराम पाटिल ने दिशा निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सीआईए स्टाफ में तैनात एएसआई स्वर्ण सिंह ने अरनीवाला के करीब स्थित गांव ढाब खुशहाल जोहिया से अमनदीप सिंह पुत्र उर्फ सन्नी पुत्र अमरीक सिंह वासी अरनीवाला को 20 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था और उसके खिलाफ थाना सदर जलालाबाद में प्राथमिकी नंबर 168 पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद जब पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि वह काफ़ी समय से ये धंधा कर रहा है। उसने ये बताकर पुलिस को हैरान कर दिया कि वह अपने ग्राहकों से चेक के माध्यम से रकम लेता है। उसे अदालत में पेश करके जब पुलिस रिमांड हासिल किया और गहन पूछताछ की तो उससे 11 चेक अलग अलग बैंकों के बरामद किए गए जिनमें कुल रकम 2.89 लाख भरी हुई थी। डीएसपी ने बताया कि शीघ्र ही उन लोगों को काबू किया जाएगा जिन्होंने ये 11 चेक दिए हैं। जाहिर है कि वे नशे के आदी हैं, उन्हें उपचार के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाएगा। मिति 10 तारीख को सीए स्टाफ ने ड्यूरिंग पेट्रोलिंग एक बंदा अमरदीप सिंह सन्नी सन ऑफ अमरीक सिंह अरनी वाला पिंड है अरनी वाले तो ढाब खुशहाल जोहिया के विचकार इन्हों काबू किया। ये जो तलाशी ले गए थे ये 20 ग्राम हैरोइन बरामद हुए। उस तो बाद रिमांड से यदि पूछगिछ दौरान सामने आया कि ये चेक के थ्रू पेमेंट लेंदा सीगा जिन्हां दे बंदे कोल जिहड़े इहदे पक्के सप्लायर सीगे जिन्हां दे नाल इन्नी सप्लाई करता सीगा जेकर उन्हां कोल पैसे नहीं हुंदे सीगे तां चेक दे तौर ते उन्हां कोलों पैसे थ्रू चेक लैंदा सीगा। बाकी हुण अगे इहदी कल तक रिमांड स्टेबल हैगा। फड़ी गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत बाजार विच 10 लाख है। जलालाबाद का रहने वाला जी उत्थे फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं पर आस पास के थाने तो असं लोकल इनफॉर्मेशन भेज दी है जेकर वह मुकदमा होगा साढ़े तक इनफॉर्मेशन आ जाएगी। फिलहाल कल तक रिमांड चल रहा है। दलीप दत्त, दिव्य पंजाब टीवी, फाजिलका।